बोलो तेलंगाना। ये जो बाय बाय मोदी बाय बाय केसीआर आपने लिखा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उत्साहित कांग्रेस पार्टी अब अपने अगले मिशन पर जुट गई है। इस मिशन की तैयारी के लिए हर बार की तरह शुरुआती कमान प्रियंका गांधी को सौंपी गई है। कर्नाटक के बाद अब एक और दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एक जीत से उत्साह में कांग्रेस अब दूसरा राज्य गांधी परिवार के सहारे जीतने की तैयारी कर रही है। खबर है कि पार्टी सीएम के चंद्रशेखर के खिलाफ महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को मुख्य चेहरा बना सकती है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी में बैठकों का दौर भी जारी है और इसकी साफ झलक उस दौरान भी देखने को मिली थी जब प्रियंका गांधी कर्नाटक चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रचार खत्म होने से पहले ही बिना किसी आराम के और ब्रेक लिए अपने अगले मिशन पर निकल गई थी और ये अगला मिशन था तेलंगाना का। उस दिन प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। आप तो जानते ही होंगे मेरे परिवार ने भी कई कुर्बानियां दी इस देश के लिए। इंदिरा अम्मा भी शहीद हुई। मिट्टी के लिए कुर्बान होने का मतलब क्या होता है ये मैं जानती हूं, मेरा परिवार जानता है और समझता है। जब हम सब कहते हैं कि किसी शहीद की कुर्बानी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या होता है मेरे परिवार के सदस्य जानते हैं। और यहाँ तेलंगाना में एक एक पुरुष एक एक महिला जानती है, क्योंकि आप में से हजारों लोगों ने यही कुर्बानी दी अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए। तेलंगाना कांग्रेस के लिए किस कदर अहम है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तेलंगाना में अपनी पहली ही रैली में प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कई बार दादी इंदिरा गांधी का जिक्र किया था और इंदिरा गांधी के नाम पर लोगों को भावनात्मक तौर पर फिर से कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश करती भी नजर आई थी। यहाँ पे जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूँ, ये हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि आप उस महिला को याद कर रहे हैं जो 40 साल से पहले ही गुजर चुकी हैं, शहीद हो गई देश के लिए 1984 में। आज हम 2023 में हैं, लेकिन आप उनको श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम के साथ याद कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेलंगाना कांग्रेस नेता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी राज्य में अभी से चुनाव प्रचार शुरू कर दें। खबर है कि प्रियंका गांधी तेलंगाना में 7 से 10 दिनों की पदयात्रा भी कर सकती हैं। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि तेलुगु मतदाता सिर्फ पार्टी की विचारधारा या योजनाओं से नहीं बल्कि मजबूत नेताओं से प्रभावित होते हैं। अब बीते कुछ चुनाव में प्रियंका गांधी ने जिस तरह पार्टी को जीत दिलाई है उससे पार्टी और जनता के बीच प्रियंका की छवि एक मजबूत नेता के तौर पर बनी है। ये जो बाय बाय मोदी बाय बाय केसीआर आपने लिखा है, अगर आप सचमुच बाय बाय चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए।